हाय फ्रेंड नमस्ते केम छो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आप देख रहे हो मैं जो है भाग्य का स्टडी रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कैसी उसने पूरा ही स्टडी रूम जो है पेंसिल से मार्क करके एकदम ही बिगाड़ दिया है। तो ये बिफोर लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि सारे ही सामान को पहले हम जो है बाहर निकाल लेंगे और फिर उसमें कलर लगा देंगे। यहाँ पर मैंने स्टडी रूम का मेकओवर एकदम ही आप बोलो तो जीरो बजट में किया है। जो मैंने हॉल में कलर किया था आप सबको ही पता है, तो वो थोड़ा कम हो गया था। तो हमने दूसरी बार नून से मंगाया था तो फिर लिया, तो उसमें थोड़ा बचा था तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और जो भी मैंने यहाँ पर डेकर पीस जो कुछ यूज़ किया है वो मेरा बचा हुआ था उसमें ही किया है। तो बस मैंने इस तरह से जो है पूरा ही स्टडी रूम खाली कर दिया है। यहाँ पर जो आप होल देख रहे हो इसे हम जो है वॉल पुट्टी से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास वाइट पुट्टी नहीं थी तो मैंने ब्लैक पुट्टी का यूज़ करके उसे कवर कर लिया था। और क्या किया कि जो भी ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे थे उसे सैंड पेपर से अच्छे से मैंने घिस लिया। तो क्या होगा कि थोड़ा वो कलर लाइट हो जाएगा तो आपको कलर करने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पुट्टी से उसे कवर कर लिया और फिर उसके ऊपर सैंड पेपर से उसको जो है उसकी सरफेस सेम कर ली थी। तो फिर बस मैंने कलर ले लिया और कलर लेके उसमें 1 लीटर कलर में मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर इसमें ऐड किया था। और क्या किया था, आपको अच्छे से दोनों को पानी और कलर को अच्छे से मिक्स करना है। तो क्या होगा कि अच्छे से मिक्स होगा तो ही उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने वाटर कलर का यूज़ किया है और यहाँ नून की वेबसाइट से मैंने ये कलर मंगवाया था। अभी ये मुझे 17 दिरहम में पड़ा था। तो बस इसी तरह मैंने ब्रश लेके पूरी ही दीवार पर ये वाइट कलर कर लिया। तो क्या होगा, पहले मैंने जो डार्क स्पॉट थे वहाँ ही कलर किया, तो फिर मैं दूसरी जगह करूँगी तो ये क्या होगा कि सूख जाएगा, तब तक तो दूसरा कोट जल्दी लग जाएगा। तो अगर आपको ब्रश से अच्छा नहीं लगता तो आप रोलर लेके भी करो कि तो क्या होगा कि जल्दी हो जाएगा। और यहाँ मुझे देखकर भ्राति और भाग्य दोनों ही जो है कलर करने में लग गए थे, आप देख सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम घर पे काम करते हैं तो बच्चों को भी सीखने को मिलता है और उसको जो है एक नयापन लगता है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करना होता नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने रोलर से कलर किया है। तो रोलर को आपको खाली जो है पेंट में डुबोना है और फिर जो एक्स्ट्रा पेंट वहाँ पर लगा हुआ है उसको जो है रिमूव करके फिर आपको वॉल पर उसे कलर करना है, वरना कलर के ड्रॉप नीचे गिरते रहेंगे। और नीचे भी आपको जो है जिस दीवार पर कलर करना है नीचे आप कोई भी पेपर लगा के रखो तो नीचे फर्श क्लीन करने में आपको आसानी होगी। और ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है, वहाँ पर मैंने मास्किंग टेप नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने वाटर कलर का यूज़ किया था तो वो इजीली रिमूव हो जाता था, तो इसीलिए। वरना आप मास्किंग टेप पहले कवर कर लो सारी जगह पर फिर कलर करो। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही कोट लगाया है और अच्छी तरह से जो है पूरी दीवार के मार्क्स हट गए हैं। अभी जहाँ थोड़ा बहुत रह गया था वहाँ मैं दूसरा कोट लगाऊंगी और नीचे भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था और फिर मैंने आपको ये दिखाया था। तो बस इसी तरह आप भी कलर लेके घर पे ही अच्छे से कलर कर सकते हो और आपको लाइट और डार्क दोनों ही शेड दिखाई देंगे। अब कलर करने के बाद मैंने क्या किया कि भाग्य के पास एक्रिलिक कलर पड़ा हुआ था, उसको ब्लू ज़्यादा पसंद है तो मैंने ब्लू का यूज़ किया। एक ब्रश लिया और मेरे पास ये स्टेंसिल पड़ी हुई थी जो हम मेहंदी लगाते हैं उसकी थी, तो मैंने यहाँ पर उसका यूज़ किया और इसमें कलर करके एक अच्छा सा पैटर्न
जो है निकाल लिया और सब में ही पूरे ही स्टडी रूम में इस तरह से मैंने सभी में जो है इस तरह से पैटर्न बना ली। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के साथ एक रेड कलर का भी महरून कलर जैसा था उसका भी यूज़ किया था। और बस इसी तरह पूरा ही मेरा स्टडी रूम का एकदम ही लुक चेंज हो गया, आप देख सकते हो। तो आप इस स्टेंसिल को घर पर भी बना सकते हो, कोई भी जो है गूगल में पैटर्न सर्च करके उसमें ड्रॉ करके फिर कार्बन पेपर में लगाकर कट भी करके स्टेंसिल को इजीली आप अपने घर पर बना सकते हो। बस इसी तरह सब में डिज़ाइन बनाकर मुझे अब क्या करना था जो है स्टडी रूम के लिए एक पेंसिल केस बनाना था और जो भी पेंटिंग्स वगैरह भाग्य की रखी हुई थी वो उसको जो है फेंकनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा फोटो फ्रेम बनाकर उसको अच्छे से कवर करते हैं। तो मैंने ये वो DIY किया, वो सारा ही जो है वो मेरे पास जो भी मटेरियल्स था उसका ही यूज़ करके मैंने बनाया है। ये थी सारी भाग्य की पेंटिंग। तो मुझे सिंपल ही बस जल्दी हो जाए उस तरह से कुछ करना था, तो मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर A4 साइज़ का पेंटिंग थी तो मैंने ये ऊपर लगा दी और ऊपर मास्किंग टेप से उसे कवर कर लिया। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने चारों ओर मास्किंग टेप लगा दी। और मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी तो मैंने चारों तरफ लेस को ग्लू हॉट ग्लू गन से चिपका दिया और फिर हमारी एक फ़ोटो फ्रेम बनके रेडी हो गई। और दूसरी फ़ोटो फ्रेम में मैंने क्या किया था कि उसी तरह कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेके मास्किंग टेप से उसे जो है स्टिक कर दिया। और फिर क्या किया कि पोस्टर कलर या कोई भी आपके पास कलर हो उसे आप जो है अलग सी बॉर्डर बनाकर भी एक फ़ोटो फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी दूसरी फ़ोटो फ्रेम जो है बनके रेडी हो गई। और तीसरी फ़ोटो फ्रेम में मैंने क्या किया था, मेरे पास बहुत सारे घर पर वाइट और ब्लैक करके स्टोन पड़े हुए थे तो मैंने जो है स्टोन का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने नीचे भी जो है कार्डबोर्ड कट किया है A4 साइज़ में और ऊपर भी बॉर्डर मैंने थोड़ी रखी हुई है इस तरह से। तो मैं क्या करूँगी, खाली बॉर्डर लेके ही ग्लू गन से जो है ये स्टोन को स्टिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से। तो आप भी इस तरह से थोड़ा सा आइडिया लगा के अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से एक नया DIY कर सकते हो और उसे यूज़ में ले सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। इस तरह से हमारी तीसरी जो है पेंटिंग की फ़ोटो फ्रेम बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे जो पेंसिल केस का बनाना था उसके लिए मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा डेकर करना था। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास रोप पड़ी हुई थी तो इस तरह से मैंने फ्लावर की पेटल जो है मुझे बनानी थी तो उसी साइज़ में मैंने 5x6 रोप को कट कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, उसे मोड़ देंगे और वहाँ पर ग्लू गन लगा के उसको स्टिक कर देंगे और एक पेटल जैसा पैटर्न बना लेंगे। सभी को इस तरह से हम जो है स्टिक कर देंगे और आपको बस इसी तरह सभी को स्टिक कर देना है, फिर सभी पेटल्स को कंबाइन करके एक फ्लावर जैसा बना लेना है और इसे आप कोई भी जगह पर यूज़ कर सकते हो।
ये एकदम ही आप इस तो इस तरह से फ्लावर बना के घर का तोरण भी बना सकते हो, हैंगिंग कोई चीज़ भी बना सकते हो। बहुत सारी जगह पर जो मैंने ये फ्लावर बनाया है वो काम आ सकता है। और यहाँ पर जो भी ज़्यादा वो रोप की थ्रेड निकली हुई थी उसे भी मैंने रिमूव कर दिया, फिर ग्लू गन से आपस में सबको जोड़ लिया। और फिर मेरे पास एक बड़ा सा मिरर पड़ा हुआ था तो मैंने उसको उसके ऊपर स्टिक कर दिया और एक अच्छा सा फ्लावर बनके हमारा रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया कि सारी स्टेशनरी इधर उधर जो है बिखरी पड़ी रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं जो है पेंसिल या कोई भी स्टेशनरी रखने का ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टिश्यू रोल लिया है और इस तरह से मैं इसको मार्क करके जितना भी आपको लंबा या छोटा चाहिए उस हिसाब से मार्क करके आपको जो है उसे कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर नाइफ लेके उसे कट कर लिया है, क्योंकि क्या होता है यहाँ तहाँ जहाँ भी स्टेशनरी गिरी पड़ी रहती है, तो इसीलिए मैंने जो है ये ऑर्गेनाइज़र बनाया और इजीली बन जाता है, सब कोई इसे इजीली बना सकता है। तो मैंने ये 5 बनाए हैं और अब मैं क्या करूँगी, कार्डबोर्ड लेके उससे सर्कल शेप में कोई भी शेप में आप कट करके इसको ऊपर इसके वो स्टिक कर दो। तो मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया, फिर उसे कट कर लिया। और अब मैं क्या करूँगी, आपके पास कोई भी वॉल स्टिकर हो या कोई भी लेफ्ट ओवर कपड़ा पड़ा हो या रैपिंग पेपर वो गिफ्ट का, उसे यूज़ कर सकते हो इसे कवर करने के लिए। यहाँ पर मैं वॉल स्टिकर का यूज़ करूँगी और सबको इस तरह से मैं जो है कवर कर लूँगी। नीचे जो हमने सर्कल को कट किया है उसे भी इससे कवर कर लेंगे और सभी रोल को भी हम इस तरह से कवर कर लेंगे। बस इसी तरह सबको मैंने कवर कर लिया, जो सर्कल था उसको और रोल्स को। और फिर मैंने इसको जो है ग्लू गन से स्टिक कर दिया। पहले आप नीचे जिस तरह से आपको रखना हो इस हिसाब से आप नीचे पहले डिसाइड कर लो और फिर ग्लू गन लगा के उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो। इस तरह से आपका पेंसिल केस या पेंसिल पेन ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। इसमें आप सब कुछ जो है अपनी स्टेशनरी डाल सकते हो, आप देख सकते हो। बस इस तरह से जो है स्टडी रूम का मेकओवर मैंने कर लिया और इजीली एकदम है, जल्दी हो जाता है, एकदम ज़ीरो बजट में है। मैंने तो ये ज़ीरो बजट में ही किया है, क्योंकि मेरे पास जो भी मटेरियल्स मैंने इसमें यूज़ किया है वो सब मेरा पहले से ही मेरे घर पे पड़ा हुआ था, तो उन सब का ही यूज़ करके मैंने ये स्टडी रूम का मेकओवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगा हो तो आप जो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग।